चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है उम्मीदवारों की और सूची जारी कर दी है। सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट मिला है। औपचारिक रूप से जो घोषणा होनी थी, जिसका काफी समय से इंतजार था, उनकी घोषणा हो चुकी है। इमरती देवी को डबरा से टिकट मिला है, जिमनी से गिरिराज डोलतिया और जितने भी सिंधिया उम्मीदवार जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं उन सभी को टिकट मिला है। विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ जुड़े विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, जो हाल ही में विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं चुनावी, तो उनसे जानेंगे क्या कुछ हालात है। आशीष जी, औपचारिक रूप से घोषणा होनी थी और जैसा कि माना जा रहा था कि जो 25 उम्मीदवार है वो तो वही होंगे जो सिंधिया खेमे के थे या उनके समर्थक थे, बाकी तीन को लेकर जो है कशमकश चल रही थी और इनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है अभिषेक, और इसमें से 22 सिंधिया समर्थक विधायक थे, जो पूर्व विधायक थे, जो बीजेपी में शामिल होने के बाद जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, इन 22 लोगों को तो टिकट मिला है। साथ में ही तीन सरकार बनने की बीजेपी सरकार बनने के बाद तीन विधायकों ने और इस्तीफा दिया था, उन्हें भी टिकट दिया गया है। खासतौर पर हम बात कर ले, तीन सीटें जहां पर बीजेपी को अपने प्रत्याशी चयन करना था, जोड़ा जहां से विधायक का निधन होने के बाद वो सीट रिक्त हुई थी, वहां से बीजेपी ने जो है सुबेदार सिंह रजोदा को यहां से टिकट दिया है। सुबेदार सिंह रजोदा हैं। उसके अलावा ब्यावरा से बात कर ली जाए, गोवर्धन डांगी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और यहां से नारायण सिंह पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। और तीसरा आगर मालवा, जहां से मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद यहां उनके बेटे मनोज ऊंटवाल यानी बंटी ऊंटवाल को टिकट दिया है। इसके अलावा यदि बात करें तो 22 पहले विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, बाद में तीन और विधायक ने कांग्रेस छोड़ी थी और इस्तीफा दिया था, तो ऐसे 25 सीटों पर वही नाम बीजेपी ने फाइनल किए। अंबाह से कमलेश जाटव, मैगांव से ओपीएस भदौरिया, सुमावली से एदल सिंह कंसाना, गोहद से रणवीर सिंह जाटव को टिकट दिया है, डबरा से इमरती देवी की बात कर ले, मांधाता से नारायण पटेल, नेपानगर से सुमित्रा काजदेकर, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल को टिकट दिया है। तो ये इस जो बीजेपी की आधिकारिक तौर पर ये ऐलान होना है, इसका इंतजार किया जा रहा था। हालांकि ये पहले से ही तय था कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और जिनकी वजह से सत्ता परिवर्तन बीजेपी ने किया है, ऐसे तमाम लोगों को टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये बात भी सही है कि इसमें से ग्वालियर चंबल संभाग में जो 16 सीटें आती है वहां पर कश्मकश की स्थिति है और बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में जो सबसे ज्यादा कांग्रेस बीजेपी के बाद यदि किसी का वर्चस्व है तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी का है। तो ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी कुछ तय किए हैं, तो क्या कुछ सियासी समीकरण बनता है, इन सब पर सबकी निगाहें रहेगी। जैसे बात कर ली जाए, करेरा से जसवंत जाटव को यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो ये आने वाले समय में अब ये साफ हो पाएगा कि आखिर जनता जनादेश इन उपचुनाव की सीटों पर जनादेश किसे देती है। शुक्रिया आशीष, समय हमारे पास सीमित है, चर्चा बहुत सारी करनी थी, खैर लेकिन अभी समय हमारे पास सीमित है, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो 28 सीटें हैं जहां पर अब उपचुनाव होना है, वहां पर 25 वो नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो तो वही के वही रहे, लेकिन तीन जो है नाम निकलकर सामने आए हैं। इसमें से खास बात रही नारायण सिंह पवार, जिनको लेकर ब्यावरा से कई तरह की आवाजें उठ रही थी, विरोध भी हो रहा था, कुछ नए जो नेता है उनको आगे लाने की बात चल रही थी, लेकिन नारायण सिंह पवार का नाम निकलकर सामने आया है, ये बड़ा सवाल है। वही मनोज ऊंटवाल, घर के अंदर सवाल उठ रहे थे कि कौन जो है चुनाव लड़ सकता है आगर से, मनोज ऊंटवाल का नाम सामने आया है, मनोज ऊंटवाल के बेटे हैं वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि आज ही जो बची हुई सीटें हैं चार, तीसरी सूची जो है कांग्रेस ने जारी की थी और उसमें भी कई नाम निकलकर सामने आए थे, और इसके बाद अब बीजेपी, क्योंकि कई सारी बैठकें हुई हैं सिलसिलेवार तरीके से, पहले राजधानी भोपाल में बैठक हुई थी, फिर दिल्ली में जो है बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि कल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अब स्पष्ट रूप से आज जो है सूची जारी हो चुकी है। 28 जो उम्मीदवार है उनका ऐलान हो चुका है, इनमें से खास तौर पर मनोज ऊंटवाल जो है उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि कहा जा रहा था कि मनोहर ऊंटवाल की मृत्यु के बाद मनोज ऊंटवाल को आगर से टिकट दिया जाएगा, इसकी अटकलें लगाई जा रही थी और अब उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि 57 साल के नारायण सिंह पवार को
ब्यावरा से टिकट दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही ब्यावरा से कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय राजधानी भोपाल पहुंचे थे और आवाज उठाई जा रही थी कि किसी युवा कार्यकर्ता को या युवा नेता को यहां से मौका दिया जाए। हालांकि 57 साल के नारायण सिंह पवार को यहां से मौका दिया गया है। तो 3 सीटें जो थी इसमें जिसको लेकर हलचल मची हुई थी कि किनको मौका मिलेगा, उसमें जौरा से सुबेदार सिंह रजौदा को मौका मिला है। वही अगर बात करें ब्यावरा से तो नारायण सिंह पवार को मौका मिला है। और बाकी ग्वालियरपुर से मुन्ना लाल गोयल, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, करेरा से जसवंत जाटव को मौका दिया गया है। मेगांव से ओपीएस भदौरिया को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने तिथि तय कर दी है, 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। और जो उम्मीदवारों की सूची आ गई है और उसके बाद हालांकि अभी भी अटकलें लगाई जा रही है खासतौर से कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि अभी भी असमंजस बना हुआ है कि ब्यौरा से कौन खड़ा होगा कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार है उनकी सूची स्पष्ट कर दी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने आने वाले उपचुनाव के लिए अपने 28 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची तय कर दी है। जैसा कि बताया जा रहा था कि औपचारिक घोषणा होगी, 25 उम्मीदवार वही रहेंगे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बस 3 को लेकर असमंजस थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु सर, 25 उम्मीदवार तो वही माने जा रहे थे जो कांग्रेस से बीजेपी आए हैं और बाकी 3 को लेकर काफी लंबे समय से असमंजस देखने को मिल रही थी बीजेपी में। पहले भोपाल में बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद फिर से भोपाल में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और ऐसा दिख रहा था कि असमंजस है, उम्मीदवार बहुत सारे हैं और किसको उतारा जाए इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। अब जाके आखिरकार बीजेपी ने अपने 28 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तो बिल्कुल, बीजेपी ने पूरी लिस्ट जारी कर दी 28 सीटों पर जो उपचुनाव को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कयास लग रहे थे, ये पिछले बार जो बीजेपी की जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी बिहार को लेकर, उसमें मध्य प्रदेश पर भी चर्चा हुई थी, तो उसको लेकर ये खबरें आई थी कि कुछ जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जी, वो पूर्व विधायकों को बदला जा सकता है क्योंकि उनके सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है जी। अनादि टीवी ने उस समय भी इस खबर को चलाया था कि ये तमाम कयास या अफवाहें जो चल रही है उम्मीदवार बदलने की, ये सही नहीं है, ये उन सभी को टिकट दिया जाएगा। और वही हुआ, अनादि के सूत्रों ने जो बताया था लगभग वही रिजल्ट आया है आज जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से। और जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जो आए थे, क्योंकि एक कमिटमेंट के तहत वो लोग आए थे तो स्वाभाविक तौर पर उनको टिकट मिलना चाहिए था। उनमें से 14 मंत्री है जो चुनाव क्षेत्रों में है और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में अपने लगे हुए, अभियान उनका चल रहा है, तो उनको टिकट मिलने की बिल्कुल पूरी तरह संभावना थी कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से बताया था और वही हुआ है। तो बाकी जो 3 जगहों की बात है, तो वहां पर उम्मीदवारों विधायकों के निधन के कारण वो सीटें रिक्त हुई थी, तो वहां का नया उम्मीदवार चुनना था भारतीय जनता पार्टी का। जहां पर कांग्रेस की सीट थी वहां पर भाजपा ने पुराने उम्मीदवार पर दाव खेला है, जहां पर नए भाजपा के विधायक के निधन से सीट रिक्त हुई, तो वहां पर जो योग्य उम्मीदवार भाजपा को दिखाई दिया सर्वे के पैमाने पर, तमाम पैमानों पर, उस आधार पर उम्मीदवार को टिकट दिया गया जी। प्रभु सर, अगर ये ब्यावरा का जो टिकट है जिसमें नारायण सिंह पवार को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, यहां से बीते दिनों पहले यहीं के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर आकर प्रदर्शन किया था और ये मांग की थी कि किसी युवा कार्यकर्ता को, नेता को मौका दिया जाए ब्यावरा सीट से, लेकिन अब 57 साल के नारायण सिंह पवार को ब्यावरा से मौका दिया गया है। बिल्कुल,
लेकिन अभिषेक चुनाव में जब टिकट की बात आ जी तकनीकी कारण से जुड़ नहीं पाए हैं, हमारी टीम एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेगी। तो जैसा कि 28 सीटों पर टिकटों की घोषणा हो चुकी है, जैसा प्रभु सर बता रहे थे कि कई सीटों पर ऐसा कहा जा रहा था, बीजेपी ने सर्वे कराया था वहां पर किन्हीं सीटों पर जो है मामला सही नहीं है, जो उम्मीदवार कांग्रेस से जो बीजेपी में आए वो उम्मीदवार वहां पर जीतते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं, ऐसे में ऐसे अटकलें थी कि शायद कुछ उम्मीदवारों को जो सिंधिया खेमे से है उनकी जगह किसी और उम्मीदवार को उतारा जाएगा, लेकिन हालांकि इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने पूर्ण विराम लगाते हुए कांग्रेस से आए हुए 25 उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया प्रभु सर जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो ये यहाँ पर चूंकि भाजपा के सर्वे में और तमाम जो जातिगत समीकरण है उन सबको देखते हुए नारायण सिंह का नाम प्रमुखता से उनको जीतने वाले योग्य उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो भाजपा ने वहां से टिकट दिया है उनको। और जो कार्यकर्ता टिकट की डिमांड कर रहे थे वो चूंकि पार्टी का टिकट डिक्लेयर हो गया है तो वो उनकी मांग का कोई औचित्य नहीं रहा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की यदि वाकई में कार्यकर्ता है तो पार्टी के पक्ष में आगे चुनाव प्रचार में सहयोग करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। जो कुछ नाराज हैं उनको ऐसा लगता है तो वो जरूर अभी इधर बाहर जा सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, कुछ भीतरघात की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन ये जो जिस तरीके से जो टिकट की रेस होती है उस रेस का नफा नुकसान दोनों पार्टी को कई बार उठाना पड़ता है। जी प्रभु सर, अभी फॉर्म भरने में चुनाव के थोड़ा सा समय है और जैसे कि आज हमने देखा नेपा नगर में सुमित्रा देवी कासडेकर चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और बीजेपी के उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध करते हुए नजर आए थे, तो क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ होता हुआ देखा दे सकता है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम पीछे ले सकती है बीजेपी, क्या इसमें कुछ और बदलाव की संभावना है? अभी अभिषेक इसमें कोई अब बदलाव की संभावना नहीं है और जो अभी तक आज यदि हम कहीं इस लिस्ट आने के पहले की जो स्थिति थी उसमें कोई उम्मीदवार नहीं था, वो संभावित उम्मीदवार थे, उस समय तक दावे प्रति दावे चल सकते थे, वो होते भी रहते हैं, वो दिखाई दिए। और अब चूंकि लिस्ट जारी हो गई तो अब कोई भी यदि पार्टी का ऑर्गेनाइज पार्टी का कार्यकर्ता है तो खुलकर विरोध प्रदर्शन की जो स्थिति है वो कहीं पर भी अब बनती हुई दिखाई नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंजेस किसी कैंडिडेट को लेकर होने वाले हैं। शुक्रिया सर। तो जैसा कि स्पष्ट कर दिया है, संभावित उम्मीदवारों को लेकर अभी तक थोड़ा सा विरोध देखने को मिल रहा था। आज नेपा नगर में भी मंजू दादू के समर्थन में नारे लगाए गए, बीजेपी के वही कार्यकर्ता जिन्हें सुमित्रा कासडेकर के लिए चुनाव प्रचार करना था उनके विरोध में नारे लग रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में इस वक्त की बड़ी खबर, 28 उम्मीदवार की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है आने वाले उपचुनाव के लिए, 3 को मतदान है और 10 को नतीजे घोषित होंगे और सवाल यही है कि दिवाली आखिर कौन मनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।